से एक ऐतिहासिक मोड़ मानता हूँ और मुझे लगता है कि सभी स्टेक होल्डर्स से व्यापक कंसल्टेशन के बाद ये फिल्म पॉलिसी बनी और ख़ासतौर से इंडस्ट्री से, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए साथियों ने काफ़ी इसमें सहयोग किया है। मैं इतना कह सकता हूँ कि यहाँ का पूरा प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि वो पुराने दिनों की वापसी फिर से। देखिए, कश्मीर से कोई खूबसूरत जगह मैंने तो देखी नहीं है अपने अपनी ज़िंदगी में, और उसकी एक ख़ास वजह यह है कि यहाँ के लोग जो हैं वो जितनी खूबसूरती है यहाँ की उतने ही खूबसूरत लोग हैं यहाँ के। और ये बड़ी खुशी की बात है कि सिन्हा साहब ने ये पॉलिसी निकाली है, इससे इंडस्ट्री को एक बार फिर मौका मिलेगा यहाँ आने का, यहाँ की खूबसूरत लोकेशंस में शूट करने का, और मुझे लगता है कि देश भर की बल्कि दुनिया भर के लोगों को कश्मीर का मज़ा लेने का एक मौका मिलेगा। और यहाँ के लोगों को जैसे एलजी साहब बता रहे थे कि यहाँ के जो टैलेंट है उसको भी डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, और ये बहुत ही बड़ी बात है। मैं तो एक दिन चाहूँगा देखना कि हम कश्मीरी फिल्में देखें जैसे हम और भी ज़बानों में फिल्में देखते हैं, तो यहाँ की एक इंडस्ट्री खुद की हो, फिल्म इंडस्ट्री कश्मीर की हो, और जो नेशनल फिल्म इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूट करे जैसे बाकी इंडस्ट्रीज करते हैं। क्या हम उम्मीद करेंगे और शायद डोनर सब यही चाहेंगे कि आमिर खान और आपका क्रू यहां का जाकर एम्बेसडर बने ताकि ये जो रिवायत है वो फिर से दोबारा। थैंक यू, ये जरूर होगा। थैंक यू।